ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आज हमारी पार्टी की तरफ से इस लोकसभा के ऑब्जर्वर लगाए गए श्री सचिन पायलट जी ने इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक ली। हम लोगों ने चुनाव के लिए बहुत सकारात्मक चर्चा की है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमको उम्मीद है कि न सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिल्ली की सातों सीट पर जो है इंडिया अलायंस जीतेगी। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, हम लोगों को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट मिल रहा है, सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वहाँ हम अकेले चुनाव लड़े थे, यहाँ जो है इंडिया अलायंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अब नहीं कह रहे हैं, 7-8 दिन पहले बोलते थे, अब बोलना बंद कर दिए। कन्हैया आते हैं तो युद्ध रुकता है, युद्ध होता नहीं है। वो लगता है महाभारत ठीक से पढ़े नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी, और आज हमने इनके समर्थन में देवेंद्र यादव जी, हम सब ने मिलकर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। अब समय कम रहा है, लेकिन आज जो उत्साह लिखा मुझे हमारे पदाधिकारियों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर, वो बड़ा संतोषजनक है। अगले 9-10 दिन तक लगातार हमारी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि इस सीट पर, इसके अलावा बाकी जो 6 सीटें हैं, लगातार हमारे उम्मीदवार गठबंधन के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारी बहुमत के साथ कन्हैया जी चुनाव जीतेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रत्येक नौजवान, हर वर्ग, हर मजहब के लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और हम पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर इनको उम्मीदवार बनाया है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा, और जो देश में परिवर्तन की धीमी धीमी हवा चल रही है वो गति पकड़ती जा रही है। 4 चरणों के बाद भाजपा दावे कुछ भी करे, लेकिन इंडिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा पिछड़ रही है, इसीलिए उनके वक्तव्य जो हैं अब अलग अलग तरह के आ रहे हैं। पहले 300-400 के पार की बात करते थे, अब वो कांग्रेस को, कांग्रेस के इतिहास को, हमारे मैनिफेस्टो को बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घबराहट का एहसास उनके जहन में है, लेकिन जनता हमारे साथ है और बहुमत के साथ हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे।